शिखा, मैं आप लोग के सामने कुछ रंगोली की कुछ जानकारियाँ देना चाहती हूँ जो इस प्रकार है। रंगोली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द रंगावली से हुई है। रंग अर्थात आवली, इसका जिसका अर्थ होता है रंगों की एक पंक्ति। रंगोली जो है भारत प्राचीन संस्कृति और लोक कला है। जो पुराने समय में जो लोक कला जो हमारे जगह हर जगह की लोक कलाएं अलग अलग हैं, उसी हिसाब से रंगोली की भी जो डिजाइन है जो विभिन्नता है उसी प्रकार से अलग अलग है। जो जहाँ की है उनके नाम से उनमें विभिन्नता पाई जाती है, देखी जाती है। पहले जो रंगोली होती थी वो हम बहुत सारे मतलब घरेलू चीज़ों से बनाते थे। पिसा हुआ चावल, गीला चावल, सूखा आटा, सिंदूर, हल्दी, रोली, ये सबसे रंगोली बनाई जाती थी। परंतु आज जो है रासायनिक चीज़ों से भी रंगोली बनाई जा रही है। और बिहार झारखंड में पूजा शुभ अवसरों पर, शादी विवाह आदि पे बनाई जाती है रंगोली। परंतु महाराष्ट्र वगैरह में ये मान्यता है कि वहाँ पे सुबह सुबह जैसे लोग उठते हैं और अपने घर के दरवाजों के चौखट पे बहुत सुंदर सुंदर रंगोली बनाते हैं, उनकी ये मान्यता है कि उस रंगोली से, उस शुभ चीज से बुरी चीज जो है, बुरी नज़र जो है वो घर में प्रवेश नहीं करेगी, उसे वो शुभ मानते हैं, इस वजह से बनाते हैं। तो हर जगह का रूल नियम हर जगह का अलग अलग है, हर जगह का नाम अलग है रंगोली का। और जो हम लोग रंगोली बनाते हैं जो कलरफुल रंगोली होती है वो महाराष्ट्र की होती है, लेकिन हमारी जो बिहार की रंगोली है वो अरिपन है, जिसमें जो हमारी मधुबनी पेंटिंग है जो डबल लाइन से उसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, उसी तरह से मतलब डबल लाइनिंग उसमें भी होती है, रंगोली में भी होती है। फिर बहुत सारे हमारे प्राचीन मोहनजोदड़ो की खुदाई, हड़प्पा संस्कृति में भी कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं देखने को, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पुराने समय में भी रंगोली को कितनी मतलब वैल्यूएबल रंगोली थी, उस समय भी बनाई जाती थी, उसके अवशेष दिखते हैं। इसी वजह से, इसी मान्यताओं से प्रेरित होकर अविन्द्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन के कला भवन में वहाँ रंगोली को स्थापित किया इस रूप में, एक खास विषय के रूप में। जिस तरह से कला चित्रकला है उसी तरह से रंगोली कला को भी एक प्रमुख विषय में रखा। उन्होंने कहा कि नहीं, ये भी होना चाहिए, ये भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए सभी के लिए। इसमें जो प्रमुख नाम है वो गौरी देवी का है, उनका नाम लिया जाता है जो सबसे प्रमुख है। फिर हर जगह की जो रंगोली है उनके नाम में बहुत सारी विभिन्नता देखी जाती है, उसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है, लेकिन जो भावना है, जो संस्कृति है उसमें समानता देखी जाती है। और जो रंगोली होती है वो ज़्यादातर प्राकृतिक तत्वों से प्रभावित होती है, जैसे हंस है, मोर है, फूल पत्ते, डिजाइन वगैरह जो भी है वो प्राकृतिक चीज़ों से ही प्रभावित होते हैं, तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में। आइए हम जानेंगे कुछ पेंटिंग के माध्यम से कि हर जगह की जो रंगोली है वो कहाँ कहाँ किस नाम से और किस डिजाइन से बनाई जाती है। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, एक है महाराष्ट्र की रंगोली, इसमें बहुत सारा कलरफुल, बहुत सारे रंगों को मिलाकर एक डिजाइन तैयार किया जाता है। और वहाँ के प्रमुख जो पूजा होती है गणेश पूजा होती है, इसलिए इसमें गणेश जी की आकृति बनाई गई है और भी बहुत सारी चीज़ों की आकृति बनाई जाती है, लेकिन ये दिखाया जा रहा है इस वजह से कि वहाँ मतलब ये महाराष्ट्र की रंगोली है। इस डिजाइन से बहुत, इसमें बहुत सारे कलर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जितना ज़्यादा कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है रंगोली, इसे रंगोली के नाम से हम जानते हैं, ये महाराष्ट्र की है। आइए हम जानते हैं हमारी जो बिहार की है वो किस तरह की होती है, उसको अरिपन कहते हैं। इसमें देखिएगा डबल लाइनिंग का इस्तेमाल किया जाता है रंगोली में, और ये पहले समय में अभी भी जो है एकदम मतलब मिथिला के, दरभंगा के, उसे अभी भी बनाते हैं बहुत शौक से, बहुत अच्छे से, बहुत मन से बनाते हैं। वो चावल के आटे से व्हाइट कलर का जो होता है उसको गीला करके या सूखा से, ये जो पॉइंट पॉइंट देख रहे हैं वो सिंदूर से बनाते थे, तो इसमें डबल लाइनिंग का बहुत प्रमुखता होती है। ये हमारे बिहार की है अरिपन, इसे हम अरिपन के नाम से जानते हैं। आइए अब हम जानते हैं बंगाल की, जहाँ अल्पना कहते हैं रंगोली को। ये अल्पना है, इसमें ऑर्नामेंटल डिजाइन होता है, ये जो
का होता है, वहाँ की ये लोक कला है, वहाँ की ये जो डिजाइन है बहुत मतलब फेमस है, इसे अल्पना कहते हैं। ये बहुत शुभ अवसरों पे, शादी विवाह हर चीज़ों में बनाई जाती है। दुल्हन के भी चेहरे पे बहुत सुंदर सुंदर ये डिजाइन होता है, व्हाइट कलर से भी होता है, ज़्यादातर व्हाइट कलर से ही बनाई जाती है। आइए अब जानते हैं राजस्थान का मांडना। मांडना मांडना इसमें देखिए कितना बारीकी से जो डिजाइन किया गया है, बहुत महीन महीन बहुत बारीकियों से डिजाइन किया जाता है, इसे मांडना कहते हैं। मांडना का जो अर्थ होता है वो सज्जा या सजावट होता है, जिसे राजस्थान में हर दृष्टि से अलग अलग त्योहार में अलग अलग तरह की चीजें बनाई जाती है। जैसे इसमें रिद्धि सिद्धि है, ओम स्वास्तिक श्री ओम सब कुछ है, तो उस तरह से जो जिस तरह का त्योहार है उसके अकॉर्डिंग निर्माण किया जाता है मांडना को, रंगोली को, तो वहाँ मांडना कहते हैं। आइए अब जानेंगे हम उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा बनाया जाता है, जो अभी भी आप लोग कहीं कहीं देखते हैं शादी विवाह में चौक पुराता है, चौक बैठा जाता है, तो सब बोलते हैं पहले चौका पुरा लीजिए उसके बाद बैठिए। तो इस तरह से वो डिजाइन होती थी, इसमें जो स्वास्तिक का डिजाइन हो गया या फिर जो जो भी शुभ चीज का डिजाइन है वो है, फिर पॉइंट होता है बना हुआ, एक ही लय में एक ही लाइन को इस तरह से डिजाइन इस तरह से किया जाता है, वो सुंदर भी लगे और एक ही लाइन वो चलता है, क्योंकि गीला है तो हाथ उठेगा नहीं, डायरेक्ट बन जाएगा पूरा। तो ये है उत्तर प्रदेश का चौक पूर्णा। आइए हम जानेंगे कर्नाटक की रंगोली के बारे में। वहाँ रंगवल्ली के नाम से ये जानी जाती है। इसमें ज्यादातर जो डिजाइन होती है वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म की होती है, ज्योमेट्रिकल आकार की ये डिजाइन बनाई जाती है कर्नाटक की रंगवल्ली। आइए अब हम जानेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में रंगोली को कोल्लम कहते हैं। इसमें भी व्हाइट कलर से या कोई भी लाइट कलर से ये बनाई जाती है, इसमें सिंदूर का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ तहाँ, तो कुछ भी डिजाइन इस तरह का जिसमें बहुत सारी चीजें हैं जो सुंदर लगे आकर्षक लगे, कोल्लम, ये है तमिलनाडु का कोल्लम। आइए जानेंगे उत्तरांचल के बारे में। उत्तरांचल में ऐप्पन, ऐप्पन के नाम से रंगोली प्रसिद्ध है। इसमें वहाँ की जो है शुभ चीजें उसके अकॉर्डिंग डिजाइन तैयार की जाती है, उसमें लाइट कलर से डार्क कलर से बैकग्राउंड बनाकर उसमें लाइट कलर से कुछ ना कुछ डिजाइन होता है, बहुत जैसे हम कचनी मधुबनी में करते हैं उस तरह की भी डिजाइन इसमें भर 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 के बनाई जाती है। आइए हम जानेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मुग्गुल, इसमें बहुत कमल वगैरह का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, कमल का फूल वगैरह हो गया, घड़े कलश ये सब चीजों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये आंध्र प्रदेश की है मुग्गुल। आइए अब जानेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश में उदुपना के नाम से ये प्रमुख है। ये जो डिजाइन है वहाँ की लोक कला है हिमाचल प्रदेश की। ये जो लेडीज देख रहे हैं हाथ जोड़ के एक क्रमवत ऐसे डिजाइन लग रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई नगाड़ा बजा रहा है, उस तरीके से बहुत